आप देख सकते हो रीना की तरफ उतरी थी, उसके बाद अग्रेसिव हो चुकी है, रेगल टॉस की तरफ पुश भी आ रहा है। देखना पड़ेगा पूरा जो फाइट होता है वो अमन और वाइपर की तरफ निर्भर करता है, क्योंकि अगर कवर फाइट नहीं दे पाए तो दिक्कत हो जाएगा। बट रेगल टॉस बहुत ही प्यारा नॉक निकालते हुए, दो नॉक यहाँ पे राइजन और माइक्रो बॉय को नॉक करते हुए, वाइपर ने वापस लक्ष्मी को नॉक कर दिया, लक्ष्मी ने जरूर वाइपर को नॉक कर दिया और लक्ष्मी काफी ज्यादा लो है। बट यहाँ पे सोल के अमन एंटर करते हुए पूरी की क्रेट फिनिश करते, क्रेट को भी शॉट्स दे रहे और अमन यहाँ पे रुकने का नाम नहीं ले रहे। ये जो खुशी की मोमेंट है यहाँ पे टीम सोल के लिए, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा नेसेसरी था। वाइपर का जरूर किल उन्होंने कंफर्म करा था, अभी शॉट नहीं लेंगे, जब पीछे की तरफ देख रहे हो तब शॉट लेंगे और यहाँ पे शॉट जरूर कर दिया, यहाँ पे एक नॉक निकालने की कोशिश करेंगे। बट वेल बहुत यहाँ पे वापस नॉक जरूर निकाल दिया और फिनिश कर देंगे। अमोनियक भी चढ़ते हुए कॉर्ड आर्ट ने वापस को नॉक कर दिया, कॉर्ड के एग्जिस्टेंस भी वहां पे बचे थे बट कॉर्ड आर्ट उनको भी नहीं बख्शते हुए और उनको भी नॉक कर दिया। आखिरी अभी बचे टीम गॉडल की तरफ से, दैट इज गॉडल गेल अकेले, एक 1v4 का सिचुएशन है, क्या गेल यहां से निकल पाएंगे? गॉडलाइक की स्क्वाड के पास एक इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी, आई मीन जेक्सी जो इस फॉरवर्ड कर लेंगे प्लेयर्स को उत्साह, क्योंकि यहाँ पे ऑफ गार्ड पकड़ा जा सकता है, नीड्स टू बी रियली केयरफुल। एंड एज आई सेड यहाँ पे काजी है जिनको पहले ऑफ गार्ड पकड़ा जाएगा, क्योंकि वो काफी ज्यादा क्लियरली पोजिशन में थे जेक्सी के क्रॉसर्स में और जेक्सी अभी भी आगे जाने की कोशिश करे, बट अब थोड़ा स्लो डाउन होकर इनको अपने टीममेट्स का वेट करना चाहिए, वरना सामने जो टीम है वो इनको भी दिक्कतों में डाल सकती है। टीम एक्सट्रीम के वाइपर को वहाँ पे पिक ऑफ किया जाएगा बाय मॉर्फ के नो मर्सी, जो कि दूसरी साइड से यहाँ पे फ्लैंक करने की कोशिश कर रहा है। टीम एक्सट्रीम बहुत ज्यादा दिक्कत में, आई थिंक दिस इज गोना बी अ स्क्वाड वाइप एंड यस टीम एक्सट्रीम को यहाँ पे एलिमिनेट किया जाता है फ्रॉम द साइड ऑफ स्क्वाड, एक 3v4 के यू मुंबा हाइप सेल्स और इल्यूमिनेट की जो टीम है उनको ये बे पे रख पाए, प्रॉब्लम आएगी, इनको भी अंदर घुसना पड़ेगा। इन द मीनवाइल सेल्स की साइड से आतंकी यहाँ पे चार्ज इन करने की कोशिश करते हैं इल्यूमिनेट के ऊपर और वो वाइप आउट हो जाते हैं। अब अपॉर्चुनिटी होगी VSG और हाइप के प्लेयर्स के लिए, क्योंकि इट्स गोना बी अ 1v1 सिचुएशन, बट वेनम काफी ज्यादा डैमेज लेते हैं, आई थिंक ही इज गोना गो डाउन, ऑलरेडी 30% HP पे आ चुके हैं। एक व्हीकल थी कवर के लिए बट ही स्टिल टेकिंग डैमेज, 1 HP के साथ शायद सर्वाइव कर लेते बट की ओपी को वो बिल्कुल यहां पे मॉर्फ के नो मर्सी का नॉक जरूर निकाला, बट डेस्ट्रो इनके किल चुरा लेंगे और यूएमई डेस्ट्रो को जेक्सी यहां पे नॉक करेंगे। बट यहां पे रेव जरूर मिल जाएगा और बीएससी क्रॉलर्स के प्लेयर्स के पास एक अच्छा मौका है इस चीज पे कैपिटलाइज करने के लिए। 420 ओपी की तरफ शॉट लेने की कोशिश, ईजी ने यहां पे शॉट जरूर लिए थे बट मिस आउट कर गए, एसएलआर था, अगर एक शॉट हेड पे लग जाता तो उनकी जो हेलमेट है पूरी की पूरी ध्वस्त हो सकती थी। बीएससी क्रॉलर्स के एचबी ने यहां पे बहुत ही प्यारा हेडशॉट निकाला यूएमई की ओपी की तरफ और 420 यहां पे रेस दे देंगे। तो यहां पे टीम यूएमई के जो ड्यूअल यू नो दो दो के पेस में रहने का जो इन्होंने जो आइडिया निकाला वो इनके लिए काम में आती हुई और उनके पास सर्कल भी है। बाकी टीम नंबर 16 के प्लेयर्स के ऊपर रैमिंग करते हुए 420 ओपी यहाँ पे स्टे डाउन करने की कोशिश करेंगे और 420 ओपी ने बीएससी क्रॉलर्स के अभी को हेडशॉट के सहारे फिनिश कर दिया। 420 यहाँ पे अभी का किल भी कंफर्म कर देंगे। एचबी ने फिर से यहाँ पे यूएमई के डेस्ट्रो को नॉक कर दिया बट उनके जो टीममेट है यहाँ पे यूएमई के भीष्म आई गेस उनको वहां पे रेस्ट दे देंगे। जेक्सी काफी ज्यादा दिक्कतें क्रिएट कर सकते हैं यूमुंबा के लिए बट उनके लिए भी दिक्कतें क्रिएट हो सकती है, क्योंकि जब वो नॉक निकालता था वो अपनी पोजीशन दे चुके हैं बट 420 ओपी ने यहाँ पे बीएससी की तरफ से एक नॉक निकाला और अबाउट इन दी ओपन ये एग्जैक्टली अप्रोच नहीं करना चाहेंगे, यहाँ पे किल्स कंफर्म करने जा रहे हैं और जेक्सी बीएससी क्रॉलर्स को खत्म कर देंगे एंड नाउ इट्स जस्ट गोना बी हिम अगेंस्ट द स्क्वाड ऑफ यूमुंबा जो कि उनके ऊपर चार्ज इन कर रहे हैं। एक और नॉक 420 ओपी को फिनिश किया, अब नॉक कर दिया फिनिश करना होगा या तो कीकी ओपी को अगर वहां नॉक कर देते तो 420 भी ओके किल कंफर्म इंस्टेंटली कर लेते हैं, ही इज नॉट वेटिंग for anything and I guess यहाँ पे जेक्सी का ऑब्जेक्टिव बस एक ही था मॉर्फ की साइड से कि किल पॉइंट्स कंफर्म करने।